हाय स्टूडेंट्स, आपका एएमआर लाइव रचे आईडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखने वाले आईजीसीआर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। सभी को यही डाउट है कि अपना में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आईजीसीआर का रिजल्ट कब तक आ सकता है और इसमें अपनी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सभी स्टूडेंट्स का ये डाउट आज क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आईजीसीआर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक्सेप्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, और इसमें हम देखने वाले हैं कैटेगरी टू की जो आपके इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और एक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की जो पोस्ट आई थी, उसमें टोटल पोस्ट दे रखी थी आपकी 52। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि मैंने लिखा है 171, ओके 171 पोस्ट थी, ओके। आईजीसीआर के अंदर जो आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की, लास्ट डेट कितनी थी? 14/5/2021। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों लिख रहे थे, क्योंकि मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आपका सिलेक्शन जनरल में कैसे होता है। ओबीसी, एसी और एसटी, ईडब्ल्यूएस के अंदर जो वैकेंसी जो दे रखी थी वो कम पोस्ट थी। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे हाईएस्ट नंबर तो आ रहे, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो एसी का हो सकता है या ओबीसी का हो सकता है। अब ओबीसी की कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं उसको ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि अपनी पोस्ट तो दो ही थी और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आज इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि आपका सिलेक्शन किस कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि दो पोस्ट पे तो जाहिर सी बात है कि उनमें ओबीसी वाला बंदा जाएगा। अब ओबीसी वाला कैंडिडेट ही अपने जनरल में कैसे जा सकता है, हम आज ये देखने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हम स्टेबिलिटी ट्रेनिंग कैटेगरी टू की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें टोटल पोस्ट दे रखी थी 171 पोस्ट। अब आपको यह भी पता है कि किन किन की पोस्ट थी, है फीटर की अलग थी, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की टोटल पोस्ट जो दे रखी थी कैटेगरी टू के अंदर 02 में स्टार लगा हुआ है, उस पर आप देख लेना कोड नंबर क्या था, 02 कैटेगरी 202 कोड नंबर दे रखा था, ओके। अब उसमें अपने जो इलेक्ट्रीशियन की हम बात करने वाले मेन, और आप इलेक्ट्रीशियन से ही आप अगर अदर ब्रांच से भी अगर आप देख रहे हो, जैसे फीटर का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, डीजल का हो गया, जो भी अदर कैंडिडेट भी अगर देख रहा है, तो इससे आप अपनी कट ऑफ का भी अनुमान लगा पाओगे। मैं ये वादा करता हूँ फ्रेंड्स कि जो मैं बताने वाला हूँ ये आपके सबको समझ में आएगा। और आप अपने इस एएमआर लाइव से आईडी यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो हम देखने वाले इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड। अब इलेक्ट्रिशियन में तीन ब्रांच दे रखी थी फ्रेंड्स। अब इसमें आपको ये पता करना है कि अपना सिलेक्शन कैसे हो सकता है, कट ऑफ कितनी जाएगी, हम ये बेसिकली बात करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स कैटेगरी नंबर 2। ये स्टार बना हुआ है, ओके फ्रेंड्स मैं देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें जो पोस्ट दे रखी थी वो इलेक्ट्रिशियन की थी, इलेक्ट्रिशियन की और एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, इलेक्ट्रॉनिक में ईएम लिख रहा हूं फ्रेंड्स, और एक थी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, इसको हम लिखेंगे आईएम, ओके। इसकी टोटल पोस्ट कितनी दे रखी थी फ्रेंड्स, 52। आज सभी का डाउट क्लियर होने वाला है फ्रेंड्स कि अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, पेपर कैसा क्या आया था, मैं उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दूंगा, ओके। आवाज सही आ रही है तो प्रॉपर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आवाज सही आ रही है, ओके। तो हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने बताया 52 थी, ओके। अब हम एक तरफ लिखते हैं जनरल की, जनरल को हम यू आर लिखते हैं फ्रेंड्स, ओके। ओबीसी को क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, ओबीसी लिखते हैं। एसी की और ईडब्ल्यूएस, आपकी पोस्ट जो डिवाइडेशन हो रखा था ये आपकी टोटल पोस्ट थी 52। ओके फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट कितनी थी आपकी, 52 थी। अब जनरल की कितनी दे रखी थी इसमें, 42। ओबीसी की कितनी दे रखी थी पोस्ट, 2।
एसी की कितनी दे रखी थी? 4। ईडब्ल्यूएस की कितनी दे रखी थी फ्रेंड्स? 4 पोस्ट इसमें भी दे रखी थी। 4 4 8 8 2 10 42 10 टोटल 52 हो गया। ये तो आपको पता चल गया कि अपने पोस्ट कैसे डिवाइडेशन को रखा था। अब हम बात करेंगे जो पेपर जो स्टूडेंट देने गए थे, हर एग्जाम सेंटर में मैंने ये देखा है कि प्रत्येक सेंटर पे 60 से 70 मैक्सिमम स्टूडेंट्स बता रहा हूँ फ्रेंड, प्रत्येक सेंटर जितने भी आईजीसीआर ने सेंटर बनाए थे अपने आईजीसीआर जो आपका कैटेगरी नंबर 2 के लिए, उसमें इलेक्ट्रिशियन के भी थे, मैकेनिक के भी थे, डीजल मैकेनिक के भी थे, कैटेगरी 2 वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे, मैं फीडर वाला हो सकता है, डीजल मैकेनिक वाला हो सकता है, प्लम्बर, कारपेंटर, मैं सभी के लिए इन्होंने सेंटर जो चॉइस किए थे, उन सभी सेंटर्स पे, सभी सेंटर्स की मैं बात करूं फ्रेंड, प्रत्येक सेंटर पे अगर हम देखेंगे तो 70 स्टूडेंट मैक्सिमम थे। 70 स्टूडेंट से ज्यादा कहीं पे नहीं देखा गया, कहीं पे 40 थे, कहीं पे 50 थे, कहीं पे 60 थे, मैक्सिमम 70 का स्कोर जा रहा था। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो कैटेगरी नंबर 2 में, इसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें 52 पोस्ट पे कितने कैंडिडेट बैठे होंगे, ये आपका सबका नॉर्मल क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रत्येक सेंटर पे मैक्सिमम 70 स्टूडेंट बैठेंगे, कितने स्टूडेंट बैठे होंगे? 70। अब 70 स्टूडेंट में वो स्टूडेंट थे जो मैकेनिक डीजल का भी था, रेफ्रिजरेशन का भी था, जो एसी आरएसी जो आप बोलते हो, इलेक्ट्रिशियन के भी थे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वो तो सभी इसी ब्रांच में आ ही जाएंगे, बाकी जो फीडर वाले थे वो भी इन्हें में काउंट कर रहे हैं। मैं अलग अलग नहीं बता रहा फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रिशियन के ही नहीं बता रहा मैं सब तक, आप ध्यान से सुने कि जो मैं बताने जा रहा हूँ ये फीडर सभी ट्रेड हो गए, प्रत्येक एग्जाम सेंटर पे 70 मैक्सिमम स्टूडेंट मैं बताने जा रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे आपने देखो मैं सभी ट्रेडों से कुल मिलाकर के टोटल 70 स्टूडेंट जब बैठ रहे हैं, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के कितने स्टूडेंट मैक्सिमम पहुंचे होंगे, क्योंकि उनमें फीडर वाले भी थे, डीजल वाले भी थे और अदर ट्रेड के भी थे, जो टोटल 171 पोस्ट पर थे। अब सभी का एग्जाम कॉमन हुआ था, क्या मतलब उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हुआ था, सभी का सेंटर अलग अलग रहा लेकिन टाइम वही था और एक ही दिन इनका एग्जाम लिया गया था, ओके। अब आपको ये तो पता चल गया, अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपका जो 52 है, 52 के अंदर आप जनरल के अंदर कितनी कट ऑफ में गेन कर सकते हो, कितनी कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स का मेरे सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। और मैंने अब तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं और जितने भी मैंने एग्जाम्स का रिजल्ट देखा है, उनमें मैक्सिमम कट ऑफ जैसे बार्क का हो गया, एनपीसीएल का हो गया, आईजीसीआर का हो गया, और भी अगर कॉम्पिटेटिव जो आपने एग्जाम्स दिए होंगे उनमें भी आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ रहती है फ्रेंड्स, कट ऑफ जो हम जनरल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी? 42। अब 42 पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट रहेंगे जो जनरल में काउंट होने वाले होते हैं, अब जनरल में जो काउंट होने वाले स्टूडेंट होते हैं, हम उसकी थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जब अपना फॉर्म स्टार्ट हुआ था और उससे एक महीने तक अपना फॉर्म चला था, 14/5/2021 तक लास्ट डेट थी, अब वहां तक के स्टूडेंट ऐसे भी थे जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे उससे पहले, कहने मतलब इस डेट से पहले तक वो मात्र 21 के ही थे, मैं 22 के हुए नहीं थे, और कई स्टूडेंट ऐसे थे जो मैं 22 कूदने वाले थे, कि मतलब 22 से मैं 23वीं में, 23 साल का जो होता है स्टूडेंट, मैं 23 वर्ष का होने वाला था, ओके। अगर 23 वर्ष का होने से पहले पहले अगर उसने फॉर्म फिलअप किया था, मैं 14/5/2021 से पहले अगर वो मैं 22 साल की एज में रहा होगा, क्योंकि इसमें जो आपकी एज मांगी गई थी मैक्सिमम एज कितनी ली गई थी फ्रेंड्स? 18 से 22। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 18 से 22 के अंदर कौन से स्टूडेंट जाने वाले हैं, चाहे वो एसी कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो। अब ईडब्ल्यूएस की तो मैंने फिक्स सीट थी, मैं 4 सीट पे हो जाएगा, एसी की 4 सीट थी और ओबीसी की 4 सीट, मैं 2 सीट थी, ओके। अब जनरल की आप जो बात करने जा रहे हैं, इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो 18 से 22 साल तक के ही स्टूडेंट, जो 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक के जो मध्य के जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो जनरल में जाएंगे। अब उनके मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, अब मान के चलिए जैसे जनरल के अंदर कट ऑफ वैसे भी हाई जाती है, आपको बेसिकली पता होगा
लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ जैसे मान के चलते हैं, मिनिमम कट ऑफ ले लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कट ऑफ क्या रह सकती है? अब मिनिमम कट ऑफ में कम बताने वाला हूँ ज्यादा बताने वाला हूँ ये तो आप समझ सकते हो, क्योंकि जब आपको यहाँ पे पता है कि एसी के अंदर चार पोस्ट की, ओबीसी के अंदर दो पोस्ट की, तो यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ सबसे ज्यादा किसकी जा सकती है? ओबीसी की भी जा सकती है, एसी की भी जा सकती है, इसमें कोई फिक्स नहीं है क्योंकि इनकी सीटें कम है, और सीटें कम होने की वजह से कई स्टूडेंट्स ऐसे रहने वाले हैं जिनके हाईएस्ट नंबर भी आ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए जनरल के अंदर जो हम बात कर रहे थे, 18 से 22 साल तक का ही स्टूडेंट इसमें जाएगा। अब इनमें से अगर इनके मैक्सिमम नंबर आते हैं जैसे 147 आ गए, और मिनिमम कितने नंबर वाले इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं? मिनिमम हम मान के चलते हैं 130। अगर मैक्सिमम मार्क्स उसके 147 नंबर आ रहे हैं और मिनिमम मार्क्स 130 नंबर आ रहे हैं, अगर 130 नंबर से ऊपर वाला होगा, 130 नंबर जो आ रखे हैं या 120 नंबर की यहाँ पे हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा वो तो 42 स्टूडेंट्स का होने वाला है। अब 42 भी वो सिलेक्ट होने वाले हैं जो एक तो क्या मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे, और कुछ एक स्टूडेंट जो इनका डबल लिया जाता है वो वेटिंग लिस्ट में भी आने वाला है। और रही बात आपके इसकी टेस्ट के लिए, इसकी टेस्ट के अंदर 52 तो 52 है, इसका 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके उतने स्टूडेंट्स आपके इसकी टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। अब इसकी टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे तो वहां पे आपका जो मतलब इसकी टेस्ट निकालने के बाद में आपके जो मैक्सिमम जो कैटेगरी नंबर 2 का जो आपने एग्जाम दिया था रिटर्न एग्जाम, उसमें आपने देखा कि आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आ रहे थे, जैसे मान के चलिए 130 नंबर आ रहा है, 130 नंबर ये मिनिमम लेके चल रहे हैं। अब मिनिमम इससे भी कम जा सकती है क्योंकि 52 में 42 जो कैंडिडेट रहने वाला है ये तो हम इसमें से 130 से 147 के मध्य वाले हम स्टूडेंट्स ले लेंगे। अब इनके जो नीचे वाले रहेंगे जो जनरल के अंदर जो काउंट होने वाला है वो काउंट कौन से होंगे? जो 18 से 22 साल तक एज में आएंगे। अब वो जो एक कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, एसी का भी हो सकता है, ओबीसी का भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी हो सकता है, ये मुझे कंफर्म नहीं पता कि ईडब्ल्यूएस वाला जनरल में काउंट होता है कि नहीं होता। ओके, लेकिन ओबीसी और एसी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो 100% जनरल में काउंट हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं ये मैंने बताया कि अगर उनकी एज 18 से 22 के मध्य की एज होगी और उनके अगर मैक्सिमम नंबर आ रहे होंगे तो वो इसमें जाएंगे जनरल में जाएंगे। यहाँ पे तो हम जनरल की बात कर चुके हैं, अब यहाँ पे मैंने कट ऑफ का जो मैक्सिमम एरिया था वो 147 लिया और मिनिमम कट ऑफ का एवरेज कितना लिया 130 लिया। ओके, यहाँ पे आपने देखा जनरल में कौन से कैंडिडेट जा सकते हैं और जनरल की कितनी कट ऑफ जा सकते हैं, हमने ये देखा। ओके, अब मैं बताना चाहूंगा आपको ओबीसी की। अब ओबीसी में क्या होगा फ्रेंड्स कि दो ही स्टूडेंट है, में दो पोस्ट है तो दो स्टूडेंट्स जो है कि वो लगने वाले हैं। ओके, अब इसमें जो एज है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी रहेगा जैसे कट ऑफ की बात कर रहे हैं, कट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं? ओबीसी की। पोस्ट कितने दे रखे? दो पोस्ट दे रखे। अब इस दो पोस्ट पे कौन सा स्टूडेंट सिलेक्शन लेगा? अब यहाँ पे पहले तो वो स्टूडेंट आएगा जिसकी ओवर एज हो चुकी, जैसे मान के चलिए उसने नंबर भी अच्छे खास प्राप्त कर लिया, हाईएस्ट नंबर आ रखे हैं, जैसे मान लीजिए वो जनरल के बराबर आ रखा है। अब इसकी भी 147 हमने लिया मैक्सिमम, अब मान के चलिए जैसे ओबीसी का स्टूडेंट है उसके भी 147 नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे? 147 मैक्सिमम नंबर ये लेके आ गया। अब इसका सिलेक्शन होगा, अब अगर इसकी एज 18 से 22 के मध्य होगी तो ये स्टूडेंट किसमें जाएगा? जनरल में जाएगा। अगर इसी स्टूडेंट की एज 18 से 22 से क्या मतलब 22 साल से ऊपर हो जाएगी तो वो भी स्टूडेंट किसमें चला जाएगा? अपनी कैटेगरी में रहेगा। अब यहाँ पे आपने देखा दो मैंने एग्जांपल बताया कि जो 18 से 22 के मध्य रहने वाला है उसका आपको पता चल गया, 18 से 22 से अगर 22 साल से ऊपर होगा वो अपनी कैटेगरी में जाएगा। अब जैसे चाहे वो एसी का हो, एसी वाला एसी की कैटेगरी में रहने वाला है, अगर ये 18 से 22 के मध्य होगा तो ये किसमें सिलेक्शन लेगा? जनरल में काउंट हो जाएगा, ये आपको पता चल गया। यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ कितने रहने वाले? 147। अब मिनिमम कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं, मिनिमम कट ऑफ 138। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं 138 से 147, मैक्सिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं जनरल के अंदर
तो आप क्या सॉरी फ्रेंड ओबीसी के अंदर अगर आपके पास मैक्सिमम कितने 147 और मिनिमम 138 नंबर अगर आप प्राप्त कर रखे हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इसमें दो स्टूडेंट जो आएंगे वो ओबीसी के अंदर आएंगे और जो दो इसके साथ में जो लिए जाएंगे वो रेटिंग वाले लेंगे। ओके यहाँ पे आपको पता चल गया कि मैक्सिमम कट ऑफ क्या रहने वाले मिनिमम कट ऑफ क्या रहने वाले। अब हम बात करते हैं एसी की। अब एसी में भी ऐसा रहेगा फ्रेंड्स क्योंकि एसी के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी तो दे दी, आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि आपकी कट ऑफ कैसे क्या बनने वाली है। अब एसी कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है, चार पोस्ट है, टोटल कितनी पोस्ट है चार। अब चार पोस्ट है इसके अंदर भी जैसे मान के चलिए स्टूडेंट्स जो आजकल तो वैसे भी आपने बात का है अभी रिजल्ट देखा होगा उसमें आईएएस कट ऑफ एसी वाले स्टूडेंट्स की रही थी 147 जो स्टूडेंट था उसने अच्छे खासे नंबर प्राप्त किए। अब उसका देखते हैं कि वो जनरल में काउंट होने वाला है या एसी कैटेगरी में रहने वाला है। अगर वो जनरल में काउंट होगा तो वहां पे जो टोटल 25 जो सीट दे रखी थी उनमें से 160 के मतलब 16 जो सीट थी उसी को उसका सिलेक्शन हो सकता है। ओके मुझे अभी बात के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम आईसीसीआर की बात कर रहे हैं। अब इसमें आपको पता चल गया कि इसमें कितनी पोस्ट थी, टोटल चार पोस्ट थी। अब चार पोस्ट पे इनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ की हम बात करते हैं, मिनिमम कट ऑफ कितनी रह सकती है और मैक्सिमम कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब मिनिमम कट ऑफ की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे 126 मिनिमम कट ऑफ की हम बात करें 126 और मैक्सिमम जो कट ऑफ रह सकती है फ्रेंड्स 145 तक। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो जनरल के बराबर जा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा ही इन जो बड़े एग्जाम्स होते हैं इनमें ऐसा ही होता है जो कट ऑफ के अंदर जो आते हैं मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए वो एसी कैटेगरी का स्टूडेंट है और अगर उसके नंबर हाईएस्ट आ रहे हैं अगर वो मतलब 22 साल से ऊपर हो चुका है क्या मतलब वो 18 से 22 की एज में अगर नहीं है अगर एज पार कर चुका होगा तो उसका सिलेक्शन एसी कैटेगरी में होने वाला है चाहे उसके नंबर चाहे कितने भी आ रखे हो। हमने देखा कि 126 से 145 क्योंकि मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर का हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे रहते हैं। ओके तो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ की हमने बात की 126 और 145। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की जब आप बात करोगे तो फ्रेंड्स आपको यह तो जैसे भी पता चल गया कि यहाँ पे जब हम अनुमान लगाए रहे हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कटौती की ज्यादा नहीं जा सकती। ईडब्ल्यूएस की भी मान के चलिए तो 120 से 138 तक मैक्सिमम कटौती कितनी रह सकती है, मिनिमम कटौती 120 रह सकती है। ओके तो यहाँ पे हमने जो बात की है मैं आईजीसीआर कैटेगरी नंबर 2 इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की हमने बात की, टोटल 52 पोस्ट थी। ओके यहाँ पे जो जनरल के अंदर जो काउंट होने वाले स्टूडेंट थे वो 42 थे और 42 के अंदर भी कौन कौन से स्टूडेंट्स काउंट होने वाले ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी फ्रेंड्स। और आप इस आईजीसीआर का जो स्किल टेस्ट होगा प्रैक्टिकल जो होने वाला है फ्रेंड उसके बारे में अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट कॉलेज में गया भी नहीं होगा उसको भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने बात की कट ऑफ से रिलेटेड, कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाने वाले और इससे कम भी नहीं जाने वाले। और फ्रेंड जो इससे कम जो स्टूडेंट जो आएंगे मैं स्किल टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई होने वाले हैं वो क्वालिफाई होंगे, स्किल टेस्ट देंगे, बाकी एग्जाम में फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें बाहर हो जाते हैं। ये आपको सबसे मैं नॉर्मल जो बातें थी ये मैंने बताई, आपको अच्छा लगा होगा अगर ये जो मैंने समझाया ये अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने एएमआर लाइव से आईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला फ्रेंड्स क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने इस एएमआर लाइव से आईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे और लाइक जरूर करोगे। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे इन्हीं से रिलेटेड जब आपका एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे हम बात करेंगे कि ऐसे क्या स्किल टेस्ट होने वाला है और स्किल टेस्ट की जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ वो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि फ्रेंड्स इसका रिजल्ट जो लेट आ रहा है लेट आने का ये कारण रहेगा क्योंकि फ्रेंड्स जब आपका रिजल्ट जैसे ही आएगा स्किल टेस्ट के लिए आप जैसे क्वालिफाई होंगे तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा कि आप स्किल टेस्ट के लिए तैयारी कर पाओ, आपके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको स्किल टेस्ट के लिए ये बुला लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बातें बताई ये आपको अच्छे से पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देख रहे हैं
मैंने अभी बताया आपको इसकी टेस्ट की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दे कि इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट जरूर अपने इस चैनल से जुड़े क्योंकि उनको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। अदर स्टूडेंट्स अदर जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।